डिजाइनर है सदाबहार जो पश्मीना। देखिए एरोप्लेन जो तैयार हो रहा है चेंज करेंगे। 50 चौक यूनिक लग रहा है मुझे। आदि दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सविता एंड वेलकम बैक टू सविता का संसार। सो हमारे लखनऊ में मेले महोत्सव का जो दौर है, जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एंड माय डियर अनामिका, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा था कि हाँ महोत्सव लगा है। क्या लगा आपने मुझसे पूछा था, तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ भारत हस्तशिल्प महोत्सव जो है वो लग गया है। तो भारत हस्तशिल्प महोत्सव से ही लखनऊ में महोत्सव का जो है ना वो शुरुआत हुआ है, यूँ कह सकते हैं। तो पहले तो ये महोत्सव जो है, मैं आपको बता दूँ, काशी राम स्मृति उपवन आशियाना में लगा हुआ है। और पहले ये महोत्सव 20 अक्टूबर से लगने वाला था, लेकिन 24 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बड़ी सी एक एरोप्लेन जो है वो भी यहाँ पर तैयार हो रही है। और अभी हमने कहाँ से एंट्री की है, ये जहाँ से मेरे पीछे ये प्रोग्राम वगैरह हो रहा है वहाँ से एंट्री हमने की है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से एंट्री लेनी है, कितना यहाँ का टिकट प्राइस होने वाला है और कैसी शॉप्स लगी हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। एंड कितना मेला लग गया है, आप लोग को अब आना चाहिए या अभी एक दो दिन और रुक जाइए, बिकॉज 24 को तो इनॉग्रेशन हो चुका था, तो कुछ कुछ शॉप्स तो लगी होंगी, तभी तो भाई इनॉग्रेशन हुआ है। तो अभी देखते हैं कि आप लोग के आने लायक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने वीडियो डाले हैं काफ़ी शॉप्स नहीं लगी थी, केवल एक अपडेट वीडियो डाला गया था कि हाँ महोत्सव लग गया है। तो आपको इस पूरे वीडियो में दिखाऊंगी कि पूरा महोत्सव लगा है या नहीं लगा है, कैसा क्या कुछ माहौल है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरफ से हम लोग ने एंट्री की है, जहाँ पर ये पार्किंग एरिया बना है। ये गलत गेट से हम लोग ने एंट्री कर ली, बट एंट्रेंस थी तो यहाँ से एंट्री कर ली। वैसे एंट्री उस वाले गेट से थी, आप जहाँ से एंट्री करोगे ये बड़ा सा एरोप्लेन दिखेगा, लेकिन देखो अभी ये बन रहा है। ठीक है, मैं आपको दूर से इसीलिए दिखा दे रही हूँ कि आपको एक पूरा आइडिया मिल जाए कि कैसा क्या महोत्सव का माहौल है। ठीक है, और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं फ्रंट से। ये देखिए दूर तक वहाँ झूले वगैरह दिख रहे हैं, बट अभी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। पूरा शॉप एंड काफी बड़े एरिया में ये लगता है, ये मंच है जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। और काफी सारा सामान आप देख सकते हैं भी गट्ठर में बंधा हुआ है, ट्रक वगैरह है, काफ़ी सारा सामान अभी आ रहा है, शॉप्स लग रही हैं और काफ़ी सारी शॉप्स लग भी चुकी हैं जैसा कि आप देख ही रहे हो। ये देखिए अब इधर आ गए हैं जहाँ पर शॉप्स लगी हुई हैं। ये पूरे क्रॉकरी वगैरह का, और मैं आपको ये बैनर दिखा देती हूँ, प्रगति भारत महोत्सव 2024 24 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन हो गया था और 4 नवंबर तक ये लगने वाला है। 11 बजे से रात में 10 बजे तक ये लगा रहेगा। एंड काशीराम स्मृति उपवन आशियाना इसकी लोकेशन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि डेट वगैरह याद रहे और टाइम याद रहे। ये देखिए एक यहाँ पर कप सेट वगैरह की शॉप है ये पूरी, और लगभग जो है ना सारी शॉप्स इस तरफ जो लगती हैं वो लगभग मुझे दिख रही हैं कि काफ़ी हद तक लग चुकी हुई हैं शॉप, लेकिन अभी जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहे, मतलब लोगों की भीड़ नहीं दिख रही है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग दोपहर में आए हैं, ये वाली एंट्रेंस होगी मेरे ख्याल से यहाँ से ना। ओके, तो ये वाली एंट्रेंस, इसके ठीक सामने गेट है, तो गेट से ही एंट्री करनी है। आपको ये एरोप्लेन दिखेगा इंडियन एयरलाइंस का, तो यहीं से एंट्री आपको करनी है। अभी देखो यहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह भी नहीं लगा हुआ है। ये देखिए होम डेकोर का काफ़ी सारा सामान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कलरफुल दिए, ये देखिए और इस तरफ एंट्रेंस से ही यहाँ पर काफ़ी सारी कारपेट्स देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए अलग अलग तरह की यहाँ पर कारपेट्स लगी हुई हैं, और ये आपको डोर मैट्स भी मिल जाएंगी यहाँ पर।
देखिए रनर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, काफी सारी चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पर वुड का काफी सारा सामान, ये देखिए कितने का भैया, ये कितने का है, 100 रुपए का। अच्छा अच्छा ये क्या है, ये मिरर है क्या? ओके ये मिरर, हाँ आगे फिर वो दिक्कत हो जाएगी। और ये है एरोप्लेन जो तैयार हो रहा है, अभी बन रहा है पूरी तरह से। ये देखो भैया अंदर जा सकते हैं, अभी नहीं जा सकते, अंदर तो थोड़े से दिखा सकते हैं, अभी नहीं, अभी पूरा बन रहा है, मैकेनिक का काम चल रहा है, बत्ती का है, बत्ती अच्छा अच्छा तो चेंज मार दिया कुछ मार दिया। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी ये देखिए ये पूरा भी पड़ी है जो काम करने वाला जा रहा हो। अच्छा अच्छा तो इसमें एंट्री का कोई चार्ज वगैरह भी होगा? अच्छा कुछ आइडिया कितना चार्ज होगा? अच्छा अच्छा तो देखिए अभी टिकट का भी इस पर कुछ कन्फर्म नहीं है, बट इसमें एंट्री लेने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। और ये है देखिए इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ शॉप्स है, तो फटाफट से आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए इधर वुडन का सारा सामान रखा हुआ है, और इस तरफ भी वुड के काफ़ी सारे सामान हैं। वुडन कॉम, ये कॉम कितने की है जी? ये कितने की होगी? 50 रुपए की। ओके 80 का है, 80 का है। अच्छा 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 कौन सी लकड़ी होगी? शीशम की। ओके और इसमें कौन सी लकड़ी होगी? शीशम। इसमें भी शीशम है। ओके ये छोटी सी ट्रे, मच्छिया, ये बॉक्सेस हैं ऐसे छोटे छोटे जी, लग गया छोटा। अच्छा अच्छा ये सारा वुडन का सामान, ये देखिए पूरा इधर फर्नीचर का लगा हुआ है, और ये नीचे अभी सेट कर रहे हैं, घास को कवर कर रहे हैं पूरी तरह से। ये देखिए आपको दिखाते जाते हैं, और मेरे ख्याल से अब पूरा लग चुका है, ठीक है, क्योंकि अभी तो खैर दोपहर है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं दुकानें जो है वो लगभग सारी दुकानें लग गई हैं। ये जूट की है ना पूरी? स्विंग वाला दोनों साइज का निकल जाएगा जूट में। अच्छा अच्छा इसमें अगर ऐसे करके ये देखिए प्रोडक्शन में आएगा। ये कितने का है? 1600 के आसपास आएगा। अच्छा 1600 तो स्टार्टिंग रेट है ना, अभी तो और रेट बढ़ सकता है। अच्छा ये 1650 स्टार्टिंग है। अच्छा अच्छा ये डिजाइनर है, रेट बढ़ सकता है इसमें। अच्छा अच्छा ये देखिए और भी हाई क्वालिटी का है, जैसे मल्टी का खरीद सकते हैं आप। ये देखिए डिमांड ज़्यादा है इसलिए प्राइस हो जाएगा इसका। अभी नया किया है ना, अभी नया पैटर्न है सर। हाँ ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है कहीं। हाँ हाँ देखा नहीं है, पहली बार ही देख रहे हैं इसमें। मिलेगा दिसंबर में। अच्छा अच्छा ये सब ज़्यादातर ऑनलाइन ही देखा है ये भैया ने? ऑनलाइन मंगा लिया? नहीं भैया, हम खुद बनाते हैं हमारे घर। अच्छा पूरा इस लाइन पूरी कारपेट ही कारपेट लगी हुई है। तो इस तरफ से जो है ना सारे कपड़ों की शॉप पूरी लाइन से लगी हुई है, तो ये एक कश्मीरी कपड़ों की शॉप है, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सारे सूट है ना भैया? ये पूरा जी सूट है, पूरा थ्री पीस सूट है। हाँ थ्री पीस। अच्छा क्या प्राइस होगा थ्री पीस सूट का? 2500 रुपए का मैम, 20% डिस्काउंट है हर किसी पे। अच्छा अच्छा ओके। ये देखिए और इसको क्या बोलते हैं, कोट है पूरा, लॉन्ग कोट है, कोट है मैम। अच्छा ये कलमकारी कोट, और ये सब सिंगल कुर्ती है ना? ये सारी एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्तीज हैं। और खाली अगर कुर्ती लेंगे तो क्या प्राइस होगा?
ये 1500 रुपए का मैम, शॉर्ट में आती है मैम वो आपको 1100 ओके। तो पूरा विंटर का पूरा सारा कुछ है ना? अच्छा अच्छा, ये देखिए शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती एंड 3-पीस सूट, सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर। एंड एम्ब्रॉयडरी वाले हैंड बैग्स भी हैं। ओके, ये देखिए इस तरह से मोबाइल वगैरह रखने के लिए। हाँ, और ये देखिए, ये थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये हैंडल भी है। ये देखिए ये हैंड बैग है, एम्ब्रॉयडरी वाला है एंड प्योर लेदर। यहाँ पर भी जिप है और अंदर भी है। ये कितने का है? ये 2500। ये प्योर लेदर है, ये पूरा हैंडमेड है। और ये वाले छोटे वाले 250। 250 का है ये, 200 ये वाला। ये वाला 200 का है। ओके, और ये फर वाली जैकेट जो है इनको क्या बोलते हैं? इन जो ये श्रग है मैम। अच्छा, श्रग जो ऐसे पहनते हैं ना ऐसे। अच्छा, कांटे लगाते हैं। अच्छा अच्छा, वो स्टोल भी इसको बोलता है। एक होता है इसको क्या बोलते हैं? ये पोंचू है मैम। पोंचू, ओके, हैंडमेड का। ओके, ये जरा दिखाइए जरा। ये देख लीजिए, पूरा सूट सेट है। नहीं, टू पीस है। टू पीस है, दुपट्टा नहीं होगा। ओके, क्या प्राइस होगा इसका? ये 1500। 1500 का है। ये जीन्स की तरह कपड़ा है मैम, हर मौसम में पहन सकते। और ये ऐसी क्रश रहेगा, ये क्रश फैब्रिक ही होगा ना ये? और कौन से कलर है इसमें? इसमें बहुत सारे कलर है, बहुत सारे कलर है। ये मरून वाला दिखाइए जरा जी, मरून वाला दिखाइए जरा। ये देख लीजिए मैम। ओके, और इसका नीचे पैंट कैसे होगी? मैरून ही आएगा, प्लेन होगी पैंट जी, प्लेन। ये है ये पैंट है। इसमें ये पैंट में ये दामन में आएगा। अच्छा, नीचे मोरी में। नीचे ओके, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आपको नाइट सूट वगैरह मिल जाएंगे। देखिए सेल लगी हुई है, 200, 150, 150, 100 की ये सेल लगी हुई है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए 200 रुपये में ये वुलन लोवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये ऊपर नाइट सूट वगैरह लगे हुए हैं पूरे सेट पे। कहाँ क्या रोक देगा यार, कुछ नहीं। ये 150 रुपये की सारी कुर्तियाँ हैं, 150 में। ये कुर्ती, और भैया ये वाले लोवर कितने के हैं? अच्छा, ये वाले लोवर भी 200 रुपये के मिलेंगे। और भैया ये जो सेट लगे हैं ये 400 के सेट है ऊपर नाइट सूट के। और सामने वाले जिनमें पॉकेट वगैरह 600 के पड़ेंगे। और यहाँ पर कुछ टॉप्स के भी कलेक्शन है, समर का भी। ये वाले टॉप कितने का है? 200 का है। सभी 200 गए क्या? अच्छा, ये 200 गए इधर पूरा। ये देखिए, ये है 100 रुपीज़ के आपको इस तरह से लोवर्स वगैरह मिल जाएंगे जो अमीनाबाद वगैरह में मिल जाते हैं। और एक और यहाँ पर कश्मीरी शॉप है जहाँ पर आपको ये ड्राई फ्रूट्स है और सूट सेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। साड़ीज़ भी हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये भैया साड़ी है कि शॉल है? शॉल, साड़ीज़ भी हैं, शॉल्स भी हैं मैडम, सब है। अच्छा, स्टॉल्स है, कुर्तीज है। ओके, ये वन स्टॉप शॉप है मैडम, एवरीथिंग मिलेगा आपको। ये येलो वाली साड़ी होगी आई थिंक। ओके, क्या प्राइस होगा साड़ी? कश्मीरी प्योर लोटस सिल्क में साड़ी आ जाएगी सिस्टर जी। ये वाली आ जाएगी 9600 ऑफर डिस्काउंट। 9000 की है, 600 ऑल डन बाय हैंड है, ये एम्ब्रॉयडरी है, वर्क है, प्रिंट नहीं रहेगा। ओके, ये सभी साड़ी इस पे, मतलब सब पे? अच्छा, शॉल्स हैं सारे। ये साड़ी कुछ ऐसी आएगी, ये भी वर्क है, प्रिंट नहीं है। हाँ हाँ, वर्क साड़ी है। और थोड़ा सा कश्मीरी कानी वो गया, हमारे उधर कानियामा में बनाया जाता है। कानिया में? ओके,
कश्मीर में साड़ीज पहनते नहीं है, बट कश्मीर इज अ टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पर साड़ी बनाते हैं। हाँ साड़ी, क्योंकि मैंने खुद देखा ना, मैंने कहा साड़ी हो गया शॉल हो गया, लेकिन कुछ कुछ साड़ी जैसा मुझे लगा। जी साड़ीज में तो आपको बहुत सारा डिफरेंट कलेक्शन मिल जाएगा सिस्टर। आपको ये सभी क्या है, शॉल है? ना ना, ये भी साड़ी है। इसको बोलते हैं सिस्टर सदाबहार, जो पश्मीना सिल्क के नाम से जानी जाती है, सदाबहार साड़ी। अच्छा। जो आप +55 टेम्परेचर में भी यूज कर पाएंगे और ठंडी में माइनस में भी, तो उस प्रकार से साड़ी रहता है। ऐसी क्या खासियत है? इसी को तो सदाबहार बोलते हैं सिस्टर। ये चीज कश्मीर, कहीं कहीं दूर कंट्रियों से कश्मीर ये चीज लोग लेने के लिए आते हैं। ओके, पूरी साड़ी में ऐसे ही प्रिंट होगा पूरा? क्या कॉस्ट होगी? नहीं, इसको बोलते हैं कश्मीरी कलमकार। कलमकारी ये आती है सिस्टर जी 1500, इसमें 20% ऑफ होता है, तो ये 1200 रुपए की साड़ी है। ओके, और ये वाली साड़ियाँ जो हैं? कौन सी वाली? ये सब अलग अलग रेंज है, 1200, 1000, 1500, 2500, 3000, 4000, 25000, 30000। ये प्योर तो होगा नहीं? ये प्योर पटोला तो है नहीं। ये पटोला किसने बोला पटोला? ये क्या है? इसको बोलते हैं कश्मीरी प्योर खबर कुछ सिलिप। ये कुछ कुछ पटोला जैसा प्रिंट लगा मुझे। पटोला तो अलग हो गया, वो तो कश्मीर का है ही नहीं सिस्टर। हाँ, वो चीज़ तो हम रख नहीं सकते। यार यू विल गेट ओनली हैंडलूम थिंग सिस्टर। अच्छा, के तो यहाँ पर आपको एक ही जगह पर सूट है, साड़ी है, शॉल है, स्वेटर्स हैं और कुर्ती, सारी चीज़ें आपको इस शॉप पर मिल जाएंगी। एंड काफ़ी अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, और जो एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। जैसे ये है, वो येलो वाली साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। और ये है कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स। ये क्या है भैया? ये एप्रिकॉट है। एप्रिकॉट? ओके, ये मीठा होता है? ओके, ये पूरे काजू, ये क्या प्राइस क्या है काजू का? 1050 किलो। 1050 किलो। और ये दो तरह के बादाम है? ये बड़ा है इसलिए ये 850 है। 850 में 950। तो ये ज्यादा क्यों? ये मामरा है। अच्छा, ओके। और अखरोट का क्या प्राइस है? ये वाला 1200 में, ये वाला 1000 में। अच्छा, 1200, 1000, ये ड्राई फ्रूट्स के प्राइसेस हैं। यहाँ पर सारी चीजें आपको कश्मीरी मिल जाएंगी प्योर। हमारे सामने ये है कुछ ज्वेलरी की शॉप। कितने के भैया इयररिंग्स वगैरह? 100 रुपए के कोई भी? ओके, और इधर कुछ आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देखने को मिलेगी। भैया ये सब कितने की है? 50 रुपए की है, कोई भी ज्वेलरी ले लो। ओके, 50 रुपीज़ की। यार ये क्या ली, इयररिंग्स आपको मिल जाएंगी भाई, इसमें से आप कुछ भी लो 50 रुपीज़ का पड़ेगा। ये इयररिंग भी आपको 50 रुपए की मिल जाएगी। इधर काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई हैं। देखो ये बैंगल वगैरह की शॉप है, वैरायटी ऑफ बैंगल्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये है तो बड़ा प्यारा लग रहा है ये मिक्सा। ये देख, और ये प्लेन कड़े भी आप ले सकते हो, इस तरफ भी लगे हुए हैं ये वाले। ओके, ये वाले डिजाइनर कड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये कितने का है? 220 का पेयर। 220 कुछ कम नहीं करेंगे? कुछ कम उम है कि नहीं भैया? तो अच्छा अच्छा, लोगे तो कम हो जाएगा। तो ये है एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप। क्या कॉस्ट होगी, कितने का? 50 रुपीज़। अच्छा अच्छा, ये हाथ पे पहनने वाले ना? हाँ। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी, और ये सभी ज्वेलरी जो है ये 50 रुपीज़ में मिलेंगी। ये देखिए, ये मेटालिक क्लचर कितने का है? ये अच्छा 50 का मिल जाएगा, और इस तरह की ज्वेलरी वगैरह भी मिल जाएगी। इनके क्या प्राइस है भैया? 100 रुपये। ओके, ये देखिए, ये क्या है? ये भी गले का है, चोकर। ओके, अच्छा ये गोल्डन में है और ये सिल्वर में है ना?
ओके, तो ये सभी ज्वेलरी है, देखिए काफ़ी सारी ज्वेलरी आपको देखने को मिल जाएगी भाई। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ये तो, ज्वेलरी का कलेक्शन जो है ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये देख, और ये वाले जो हैं झुमके वो आएंगे 100 रुपीज़ के, इधर जो लगे हुए हैं। ये देखिए नेक पीसेस काफ़ी यूनिक यूनिक लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। देखो जैसे ये वाला सामने भी लगा हुआ है, और ये है एक क्रॉकरी की शॉप जहाँ पर आपको सारा सामान कप वगैरह मिल जाएगा। ये देखिए पूरा कप सेट है, ग्लास के सेट वगैरह लगे हुए हैं, टेबल कवर वगैरह मिल जाएगा। भैया कप की क्या प्राइस है? 50 के दो है ये वाले, 50 के दो है, 100 के दो, अच्छा ये 120 के, अच्छा 120 के 6 ये छोटे वाले मिल जाएंगे, बाकी ये बड़े वाले जो 100 के दो है ना। ओके, ये हरमल 100 वाली शॉप है, इधर काफी प्लास्टिक का सामान भी मिल जाएगा। ये देखिए पूरे बर्तन यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग थाली अच्छी। और एक ये शॉप है जहाँ पर आपको अगेन काफी सारी ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी, एंड इस तरह वाला क्लच हैंडबैग्स और बड़े